हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं अपना सपोर्ट आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी कहानियों का आनंद लेते रहें। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, थैंक यू सो मच। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। एक बार घर में आग लग गई और सभी लोग उस आग को बुझाने में लगे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था, तो वो चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भरती रही और आग में डालती रही। वो बार बार जाकर पानी लाती और आग में डालती। एक कौवा यह देख रहा था और वो चिड़िया से बोला, अरे पगली, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी। तो उस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन अब भी इस आग का जिक्र होगा, तब भी इस आग का जिक्र होगा। मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे हारने का तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको बात बात पर ताना मारते हैं। ये लोग आपको हमेशा डिस्करेज करते रहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से खुद को हमेशा दूर रखना। और याद रखें कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी हमारी स्टोरी। थैंक यू।